हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन में वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और यहाँ पर englishiq.in वेबसाइट पर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक्टिव वोकेबलरी सिखाऊंगा। ठीक है, एक्टिव वोकेबलरी का मतलब है जो डे टू डे इंग्लिश में भी यूज़ होती है, कम्पिटिटिव इंग्लिश में भी यूज़ होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में यूज होती है, क्लोज टेस्ट में यूज होती है, जो करेंट वर्ड्स हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, वो मैं सब आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इन सारे वर्ड्स को, और ये जो वर्ड्स हैं इनका जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये बहुत ही कन्वर्सेशनल स्टाइल में दिया है, मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में दिया है। तो इसको पढ़ने में एक तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसको आप रिटेन भी कर पाएंगे, याद भी कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारे ऐसे करेंट वर्ड्स दिए हैं और आगे के पार्ट्स में लूँगा। ये पार्ट वन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट वन है, एक्चुअली ऊपर है ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर एग्जाम्स पार्ट वन इन इंग्लिश। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसको आप इस वोकैबुलरी को आप मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते समय भी पढ़ सकते हैं। देखिए, सारे नए वर्ड्स मैंने इसमें दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्सी डायल, इसका मतलब है कि किसी को मिस्टेक से डायल कर देना। ठीक है, बार्गेनस, ये वर्ड अभी पूछा गया था आरसीज में, बार्गेनस का मतलब होता है एनी थिंग कॉस्टिंग लेस देन एक्सपेक्टेड और चीपर। ठीक है, बरिस्टा, बरिस्टा हम बोलते हैं अ पर्सन हु जॉब इज टू प्रिपेयर एंड सर्व वेरियस काइंड ऑफ कॉफ़ी, जो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी सर्व करते हैं उसको हम बोलते हैं बरिस्टा। तो इस तरह के नए वर्ड्स और करेंट वर्ड्स मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा, और इन वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है। तो इससे आपको रिटेन करने में इनको बहुत मदद मिलेगी, और जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनको मैंने पास पास लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनजॉइन एंड रीजॉइंडर। रीजॉइंडर का मतलब होता है अ क्विक एंड ऑफन ह्यूमरस रिप्लाई, जैसे आपने किसी से कोई बात बोली और उसका कोई तुरंत रिप्लाई देता है उसको हम बोलते हैं रीजॉइंडर। इनजॉइन का मतलब होता है टू टेल और अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने के लिए कहना, इनजॉइन एक अच्छा वर्ड है। स्मिजन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स लिए हैं वो हाईली यूजफुल हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए, SSC के सभी एग्जाम्स के लिए, NDA, CDS, UPSC सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वर्ड्स हाईली यूजफुल हैं। और अपने मोबाइल में खोल के आप इनको डेली आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको इनसे आपको फ़ायदा होगा। आपको इस साइट पर आना है englishiq.in, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस पर्टिकुलर पोस्ट का, और पूरा इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये पार्ट वन है, इसके पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर इस तरीके से यहाँ पर अपलोड होते जाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये सब्सक्राइब का बटन है, अपना मेल आईडी डाल दें तो आपको सारे जितनी भी पोस्ट यहाँ पर आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और उसके बाद तुरंत इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ई बुक्स भी अपलोड करी हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक 1000 गोल्डन वर्ड्स की है, 750 वर्ड की है, SSC के लिए और बैंकिंग के लिए हाईली यूजफुल ये वोकेबलरी ई बुक्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर एक फ्री क्रैश कोर्स भी चल रहा है IBPS PO के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें करीब 25 वीडियो मैंने अपलोड अभी कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, मिलते जुलते वर्ड्स मैंने पास पास लिखे हैं, जैसे कडल का क्या मतलब है यहाँ पढ़ सकते हैं, मेडल का क्या मतलब है, और मेडल से मिलता जुलता वर्ड है मेडल सम, तो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। जिटरी का क्या मतलब है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके से मैंने दिया है, और इनको रिटेन आप आराम से कर पाएंगे, आप इन्जॉय करेंगे इन वर्ड्स को, और इसको आप अपने मोबाइल पर चलते फिरते आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं। तो ये इसका पर्पस है कि वोकेबलरी, करेंट जो वोकेबलरी है इसको आपको मास्टर कराना, और वोकेबलरी यदि आप मास्टर कर लेते हैं तो सभी एग्ज़ाम्स में, पर्टिकुलरली SSC एग्ज़ाम्स में तो बहुत बड़ा रोल है वोकेबलरी का, तो इसको आप करेंट आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको डेफिनेटली इससे सफलता मिलेगी। और ये जो वर्ड्स हैं ये हाईली यूजफुल रहेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है बैंकिंग में, SSC में, और स्पोकन इंग्लिश में, रिटेन इंग्लिश में, ये वर्ड्स सारे हाईली यूजफुल रहेंगे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सारे वर्ड, जैसे देखिए ग्रम्बल एंड क्रम्बल, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो मैंने पास पास लिखे हैं, जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आप इनको रिटेन कर पाएंगे। रेटिफाई, रेमिफाई, ये पास पास लिखे हैं मैंने, कैल्सीफाई, ठीक है, एम्बिलियोरेट, क्यूरेट, डॉज,
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, सारे हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आए इस साइट पर और इनको एंजॉय करें इन वर्ड्स को, और बहुत यूजफुल इंग्लिश का कंटेंट मैं है यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो इस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि मेरा यह प्रयास आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो इस पोस्ट को और दूसरी सभी पोस्ट को आप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि इनको शेयर जरूर जरूर करें इन पोस्ट को, ताकि दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको भी इससे डेफिनेटली फ़ायदा हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने टेम्पोरल एंड कॉर्पोरल विंटेज, ठीक है, मिलते जुलते वर्ड मैंने पास पास लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिचुलेट एंड रिकैपिचुलेट। कैपिचुलेट सरेंडर होता है, एक्चुअली कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर। इसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हैं मैंने। और रिकैपिचुलेट होता है समराइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबरी, आप देखिए ये दो वर्ड डिटेन एंड रिटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट इससे आपका होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में इससे मदद मिलेगी, क्लोज टेस्ट में मदद मिलेगी, वोकेबलरी को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, पैसेज को समझने में इससे मदद मिलेगी, रिटेन इंग्लिश में आपको मदद मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश में आपको मदद मिलेगी। हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं। एक पोस्ट में मैंने 100 वर्ड लिए हैं, ये 100 वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ अलग वर्ड्स हैं जिनकी पीडीएफ ई बुक्स मैंने बनाई है, वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ का एक फ्री कोर्स इसमें चल रहा है इस वेबसाइट पर, तो उसको आप देखें जरूर। और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए सीजीएल 2017 प्री के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आप इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उसमें करीब 43 सेट्स हैं, करीब 3,000 क्वेश्चन का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आप इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है englishiq.in। यहाँ पर आपको आना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आप इसको पढ़ें, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर इसको एंजॉय करें, और डेफिनेटली आपको हाईली यूजफुल ये लगेगी। और इसमें मैं दो चीज़ें और जोड़ूंगा, एक तो इसमें यहाँ पर जैसे ये वर्ड लिखा है, इसका इसका जो उच्चारण है उसको हिंदी में यहाँ पर लिखूंगा, और इसका मतलब यहाँ पर हिंदी में लिखूंगा। दो चीज़ें इसमें हिंदी में मैं और करूँ ऐड करूँगा, और इन सभी वर्ड्स का वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको इसमें नीचे मिल जाएगा। एक एक पार्ट में मैं 50 वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर से 50 वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे कुछ समय बाद मिल जाएगा। अभी जब तक आप इन वर्ड्स को एंजॉय करें और देखें, हाईली यूजफुल ये वर्ड्स रहेंगे एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, एनडीए, सीडीएस, सीटेट, और आपका यूपीएससी, दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए, मैट या कैट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हाईली यूजफुल ये वर्ड्स रहेंगे। इनको देखें और इनको एंजॉय करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पोस्ट्स को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।